देख। अरे अभी से, देख। आराम से, देख। आराम देख। से देख। काट? हाँ देख देख, देख।, 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 देख� <laughs> भाई सिलेबस के अंदर तो मैसे ही लिखा था ये तो समर के अंदर और पेपर के अंदर इम्बापे आ गया पता नहीं कौन कहता है विंटर इज कमिंग भाई विंटर इज नॉट इंटरेस्टिंग समर इज इंटरेस्टिंग भाई दिस दिस पीएससी रियल जी इम्बापे ड्रामा अगेन चार साल से चल रहा है भाई चार साल से एंड हेयर वी गो अगेन क्या होगा भाई चीजें जो है वो गर्म हो रही है तोड़ फोड़ की तरफ जा रही हैं भाई हम बापे 2020, 2022 2022 जुलाई के अंदर बता चुके थे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं असेंड करने वाले भाई प्रेशर था मेरे पास कतरी जो है वो बंदूक लेके खड़े हुए थे प्रेसिडेंट जो कह रहा था मैं निकाल दूंगा अगर तूने एक्सटेंड ना किया तो मैंने एक्सटेंड कर लिया था बट मैंने जुलाई में ही बता दिया था 2022 के अंदर मैंने नहीं एक्सटेंड करना भाई रियाल मेड्रिड पेरिस और हिम डन करके बैठे हुए हैं बातचीत करके सब <coughs> कुछ सॉरी वोरी सब कुछ हो चुका हुआ है मतलब ने रिपोर्ट किया कि वो कर चुके हैं और पेरिस ने वो जो स्टेटमेंट दी थी जिसमें पीएसजी को गुस्सा चढ़ा कि नॉट दिस ईयर नेक्स्ट ईयर पीएसजी कह रही है भाई ना पागल हम नेक्स्ट ईयर फ्री के अंदर क्योंकि उनको भी पता है कि बापे नहीं रुकने वाले उनको भी पता है नहीं रुकने वाले और कुछ रिपोर्ट्स आ रही है दो सौ मिलियन खर्चने के लिए तैयार है के ऊपर भाई भाई गॉड क्या क्या देखना पड़ रहा है भाई, क्या देख रहे हैं हम इम गया मुझे लगता है नेमार भी जाएगा है, मैसी तो चला ही गया अल्ट्रास भाई मैं पीएसजी पूरी फैन बेस की बात नहीं कर रहा अल्ट्रास क्या करेंगे अब मतलब इम कह रहा है मैं खुश हूं बट मैं नहीं रुकना चाहता मैं खुश हूं अगले सीजन के लिए एक सीजन के लिए मैं फ्री जाना चाहता हूँ ये मेरी डील हुई है पेरिस के साथ समझ क्यों नहीं रहे तुम अल्ट्रास तुम पीएची ओनर्स खलीफी तुम समझ क्यों नहीं रहे तुम पागल हो <laughs> ओ भाई क्यों नहीं समझ रहे तुम प्लान नहीं समझ रहे ऐसे मत करो ऐसे ओपनली मत करो कि सेल करना है क्योंकि फिर अगर पूरा सीजन खेलना पड़ा और पेरिस ने कहा भाई मैं तुझको फ्री लूंगा तो फिर बू करेंगे यार पी एच लाइज दीज आर लाइज भाई झूठ बोल रहे हो तुम आई एम वेरी हैप्पी एट पी एच फॉर वन सीजन क्योंकि मैं फ्री जाना चाहता हूं रियाल मेडेड <laughs> साहब यार आई एम नो मैटर वट बाई वी विल बी देर आई विल बी देर टू विजा रहा हूं पी एस जी फैंस को ब्रो द अबू जी हम फारा फ्यूचर इम बापे मैसी तो बेकार है नेम मार तू तो वर्क क्रिएट नहीं देते सीरियस नहीं है मेसी जो है वो सीरियस नहीं है क्लब के लिए सिर्फ ना अल्ट्रा उनके फैंस भी और उनके प्रीवियस कुछ प्लेयर्स भी ये कह भाई नहीं सीरियस ही नहीं है सीरियस है पी अपने पीएससी के फ्यूचर को लेके सीरियस है कौन है सीरियस कोई भी नहीं है सीरियस <laughs> यार मैंने कहा था कि सीरियस डिस्कशन होगी लेकिन फिर मेरी ऐसी निकल जाती है आ, मैं मॉक नहीं कर रहा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इशू है क्या भाई दो साल के अंदर ऐसे बिल्डिंग गिर गई पीएसजी की पूरी दो साल पहले या तीन साल पहले जो उन्होंने चार, चार साल पहले इवन दो साल पहले के चले जाते हैं जब वो एक मिनी गलेक्टिको यार मिनी क्या यार बड़ा गलेक्टिको था रामोज को लेके आए थे हकीमी को लेके आए थे डोनोरूमा आए थे फिर मेसी आए थे गलेक्टिको था बड़ा पूरा गिर गया नीचे सारा देखते हैं कि क्या होता है इस सारे सागा में बट वी विल बी देर साई

ठीक है भाई 2026 यार चार साल बाद अभी वर्ल्ड कप जीता है मैं तो चाहता तो था था रिटायर हो जाए बट वो एन्जॉय करना चाहते हैं कोपा अमेरिका एक और खेलना चाहते है, है, हैं और उसके बाद वो रिटायर हो जाए uh, तो बहुत पॉसिबिलिटीज है लेकिन 2026 और मुझे में मैसी ने बिल्कुल ठीक कहा चार साल सब कुछ दे चुका है वो बंदा यार मतलब सब कुछ कंप्लीट कर चुका है फुटबॉल और बेहतरीन इंटरव्यू दिया उन्होंने दोबारा और आई एम नॉट मतलब ऑल्सो राइट right. मतलब आपको पता है कि आई यू नो कि यू वॉन्ट टू सी मेसी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इफ यू कैन बट नहीं है कभी कभार पॉसिबल उस बंदे को अपना भी सोचना कि भाई वो किस पूरा उनका जो करियर है पंद्रह बीस साल हो चुके हैं भाई उसको फुटबॉल खेलते हुए तो अब हमको चाहिए कि रोनाल्डो या मेसी उनको डिसाइड करने दो तो उनको क्या करना उनको खेलना है तो खेलेंगे उनको जहां खेलना वहां खेलेंगे आई एम हैप्पी फॉर वो बैलेंडोर का भी उन्होंने कहा अब यार समझ जाओ यार तुम कम अज कम मेसी फैंस बारसा फैंस समझ जाओ नहीं है इंपॉर्टेंट उसके लिए तुम क्यों लड़ते हो वो कह रहा है जीते होगा ठीक है नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई क्या फर्क पड़ता है सात वेडोर मतलब घिस जाएगी लोगों की सात वेलेंडोर करते करते नहीं होंगे अगले पचास साल में मेरे हिसाब से तो नहीं होते हो, होने को कुछ भी हो सकता है बट अगले पचास सौ साल में सात वेलेंडोर नहीं होते जीत जाएगा ठीक है नहीं जीता कोई बात नहीं मसले वाली क्या बात है तो जब वो ये कह रहे ना तो तुम लोग भी बस कर दो अब बाकी ऑपोजिशन क्या करे रॉबरी हुई है जीता है जीते तो जीतेगा तो रॉबरी हुई या नहीं जीतेगा तो वी आर गुड राइट दिस इज वॉट गिव राइट अब बात कर लेते हैं बार्सिलोना की ट्रांसफर न्यूज के के ऊपर एक आउट ऑफ स्कोप हो चुकी है जुब मंडी का कुछ अता पता नहीं है अमराबाद ठीक है अमराबाद से पहले मैं विक्टर रोके की बात कर लू यार एज पर जावी मिगेन विक्टर रोके टू बार्सिलोना इज ऑलमोस्ट डन बट इट इज सब्जेक्टिव टू

के की वजह से वो ऑफिशियल ऑफर कर ही नहीं सकती मैसी भी यही चाहते थे तो क्यों देंगे कि जब ऑफिशियल ऑफर ही नहीं कर सकते कि के, के लिए तो वो क्यों पब्लिकली स्टेटमेंट देंगे कि भाई मैं छोड़ना चाहता हूं लेवन को तो पता होगा ना कि वो पिछले सीजन के ऑफिशियल ऑफर दी, दी दे सकते हैं वो नहीं दे सकते लीवर आपने पुल कर लिए थे आप क्या पुल करना है अब <laughs> पुट नहीं है आपने पुल कुछ नहीं होने वाला तो भाई ये प्रॉब्लम है और अब ये चीज पॉजिटिव है कि 40 प्लस मिलियन की विक्टर रूके की डील है और आई एम वेरी हैप्पी मैं आपको स्काउटिंग स्काउटिंग रिपोर्ट थोड़ी सी शेयर कर लेता हूँ ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर He can play on the wings also, but he's an out-and-out out number 9 जिसके पास acceleration है he's very fast, pace पेस है जिनके पास ऑफ द बॉल मूवमेंट बहुत अच्छी है बहुत से लोग उनको अगवेर से भी कंपेयर करते हैं because low center of gravity है बहुत ज्यादा कोर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है He can hold the ball, ठीक है अगेन बॉक्स के अंदर फिनिशिंग बहुत अच्छी है फर्स्ट टफ फर्स्ट टच के साथ गोल करते हैं बट ही इज वेरी यंग राइट अभी तक की यह स्काउटिंग रिपोर्ट है इज अ ब्रिलियंट प्लेयर ठीक है

फंडर्स बफर बार्सिलोना नहीं करे तो कोई नुकसान नहीं होता ऐसी डील के अंदर तो विक्टर रोके आई बारसा पर्सन टर्म्स एग्री कर चुके हैं फीस एग्री कर चुके हैं डेको का रोल बहुत अच्छा था इसके अंदर सारे के अंदर जैसे वो रफीनिया के, के केस के अंदर था बट क्या होगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन इश्यू है भाई इवन यू कैन साइन द कॉन्ट्रैक्ट यू हैव तो टू रजिस्टर द प्लेयर उसके लिए प्लेयर ऑफलोड करना बड़ा जरूरी है उसके अंदर आंसू पाटी भाई उनके कह रहे बेलेंडोर जीतेंगे ये करेंगे वो करेंगे भाई वरना इसी तरह हम स्ट्रगल करते रहेंगे और अमराबाद अब उसके एजेंट ने बोल दिया भाई क्या मजाक चल रहा है मैं क्या कह रहा था पिछली दो तीन वीडियो से कि वो भी भाग जाएंगे भाई वो जो खेलना चाहता था अब वो और ऑफर आएंगी वो कहेगा भाई ये तो मुझे चौथे पांचवे खाते में लिख रही है और उन उनको नो, नो करने के बाद भी मुझे ऑफर नहीं कर रही है मैं वेट कर रहा हूं तो भाई उसका भी तो दिमाग हिलना है हिल गया उसका दिमाग कि भाई नहीं आया तो फिर और क्लब्स बैठे हुए और बैठे और क्लब्स और बहुत से क्लब्स ये अमराबाद की डील बहुत अच्छी है किसी भी क्लब के लिए दुनिया के किसी भी क्लब के लिए बहुत अच्छी डील है और बारसा को ये वेस्ट नहीं करनी चाहिए यार मेरे हिसाब से बारसा को ये वेस्ट नहीं करनी चाहिए अः सो तो एक अच्छी न्यूज थी गुंडोग का भाई अभी वीडियो बना रहा हो सकता है सुबह तक कोई न्यूज आ जाए तो उसके ऊपर जैसे ही आएगी अभी यही है कि टू टू प्लस वन दे रही है बारसा वन प्लस वन दे रही है सिटी ज्यादा पैसे सिटी दे रही है बारसा कम पैसे दे रही है लेकिन वो डील अपनी पैसे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है तो दिस इज द करंट न्यूज राइट नाउ इट्स इट्स डाउन टू करवान वो क्या करेंगे इट्स डाउन टू वो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी मैं आप लोगों को बताता रहूंगा फेब्रीसीडिया मैंने आपको स्काउटिंग रिपोर्ट शेयर शेयर की थी लास्ट वीडियो में नो ब्रेनर है थोड़ी सी उसकी मार्केट वैल्यू आठ मिलियन के ऊपर चली गई अब नो ब्रेनर भाई टेक एम उसकी भी स्काउटिंग रिपोर्ट मैंने भी चार पांच जगह से पढ़ी है बहुत अच्छी है तो वी हैव हाँ टू मतलब ठीक है आप बाकी प्लेयर्स का नहीं है उनके ऊपर रखें लेकिन इनको तो करें कंफर्म तो ये बादशाह को सोचना चाहिए और इस डायरेक्शन में जाना चाहिए ये थी न्यूज आज तक की इसी तरह न्यूज देता रहूंगा मैं आपको और उसके ऊपर अपना ओपिनियन भी न्यूज मैं नहीं देता मैं उप, सिर्फ अपना ओपिनियन देता हूँ रिएक्शन हमारा कंटेंट क्रिएटर्स का काम है अपना ओपिनियन भी दें आप लोग कमेंट सेक्शन में लाइक सब्सक्राइब शेयर की बुजॉइंग फुटबॉल नेक्स्ट टाइम a goodbye from me.